Dear students, assalamu alaikum. Advanced accounting become part 2 ke aaj ke lecture mein discuss karne ja rahe hain hum absorption ke topic ko. Bahut zyada students ne mujhse kaha tha ki absorption ke topic ko explain kar de. To aaiye zara aaj ke topic mein hum introduction dekhte hain ki absorption se kya murad hai. Start karte hain aaj ke lecture ko apne. Absorption aur amalgamation do chapters hain advanced accounting become part 2 mein. ये दोनों चैप्टर्स ऑलमोस्ट सेम हैं. क्या मुराद है इन दोनों चैप्टर्स से? पहले इनका एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं और अमलगमेशन किसे कहते हैं. एब्जॉर्प्शन और अमलगमेशन, इन दोनों से मुराद है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज आपस में मर्ज हो जाएं, मिल जाएं, तो उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन या अमलगमेशन. अब एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं और अमलगमेशन किसे कहते हैं, बस इस बात को यहाँ पर समझना ज़रूरी है. तो पहले बात करता हूँ मैं आपसे एब्जॉर्प्शन के हवाले से, जो कि हमारा टॉपिक है. सपोज करते हैं कि दो कंपनीज है, कंपनी ए और कंपनी बी. ये दोनों कंपनीज आपस में मर्ज हो रहे हैं और मर्ज होकर यूँ समझिए कि ए कंपनी जो है वो बड़ी कंपनी है और बी कंपनी जो है वो एक छोटी कंपनी है. यानी बड़ी कंपनी बेसिकली बी कंपनी को, यानी छोटी कंपनी को टेक ओवर कर रही है. तो जब बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर करती है, तो छोटी कंपनी अपने आप को बड़ी कंपनी को बेच देती है और फिर छोटी कंपनी का नाम मार्केट से ख़त्म हो जाता है. यानी फिर जो बी कंपनी थी वो मर्ज हो गई ए कंपनी के साथ, लेकिन जो नाम चलेगा अब मार्केट में वो किस कंपनी का नाम चलेगा? अब सिर्फ ए कंपनी का नाम चलेगा. तो ए और बी मर्ज हो गए और मर्ज होकर बी कंपनी, क्योंकि छोटी कंपनी थी, वो ख़त्म हो गई और उसकी जगह पर एग्जिस्ट कर रही है सिर्फ एक ही कंपनी. और वो कौन सी कंपनी है? वो है ए कंपनी. कंपटीशन ख़त्म करने के लिए ए कंपनी ने ऐसा किया कि छोटी जो कंपनी थी उस छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लिया और अब पूरा शेयर ए कंपनी के पास है. तो इस अमल को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर ले और दूसरी कंपनी का नाम ख़त्म हो जाए और पहली कंपनी का नाम, जो बड़ी कंपनी है, उसका नाम अगर एग्जिस्ट करता रहे, तो इस अमल को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन. अच्छा, अब जो दूसरा अमल है हमारे पास वो क्या है, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं. एक कंपनी है ए और एक दूसरी कंपनी है बी, और दोनों कंपनीज आपस में मर्ज हो रहे हैं और दोनों कंपनीज मर्ज होकर कहते हैं कि भाई ना मैं आपको टेक ओवर कर रहा हूँ ना आप मुझे टेक ओवर कर रहे हैं, ना ही ए बी को टेक ओवर कर रहा है और ना ही बी ए को टेक ओवर कर रही है, बल्कि कह रहे हैं कि भाई हम दोनों अपनी रजा से आपस में मर्ज हो रहे हैं. अगर हम दोनों बराबर लेवल की कंपनीज हैं तो फिर नाम भी हम दोनों का ही रहना चाहिए या फिर किसी का भी नहीं रहना चाहिए. तो फिर डिसाइड हुआ कि ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं कि हम ए और बी को मर्ज करके एक नई कंपनी बना देते हैं जिसका नाम क्या होगा. या तो ए बी कंपनी नाम रख सकते हैं आप, या सी कंपनी रख दिए, जो आपको मुनासिब लगता है, एक नई कंपनी का नाम. यानी कि सिर्फ किसी एक कंपनी का नाम अब नहीं चलेगा. इस अमल को हम क्या कहते हैं? अमलगमेशन कहते हैं. यानी जब दो कंपनीज मर्ज होकर एक तीसरी नई कंपनी फॉर्म करते हैं तो इस अमल को हम कहते हैं अमलगमेशन. और जब दो कंपनीज मर्ज हो जाए और एक पुरानी कोई छोटी कंपनी ख़त्म हो जाए और एक बड़ी कंपनी जब वो एग्जिस्ट करती रहे, तो इस अमल को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन. तो अगर आप गौर करें तो एब्जॉर्प्शन के केस में देखिए कितनी कंपनीज के नाम आपको नजर आते हैं. एक ए है, एक बी है, और उसके बाद भी ए कंपनी ही एग्जिस्ट कर रही है. इसका मतलब ये हुआ कि एब्जॉर्प्शन के केस में कुल मिलाकर दो कंपनीज हैं, जबकि अमलगमेशन में अगर आप आएँ तो एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, और इसको मिलाकर एक नई कंपनी बना दी गई, यानी सी. तो टोटल अमलगमेशन के केस में कितनी कंपनीज हो गई? इस सूरत में टोटल तीन कंपनीज बन जाती हैं. ठीक है, तो अमलगमेशन में तीन कंपनीज बन जाती हैं, दो पुरानी कंपनीज जो लिक्विडेट होती हैं, ख़त्म होती हैं, और एक नई कंपनी वजूद में आती है जिसका नाम बिल्कुल ही डिफरेंट होता है. जबकि एब्जॉर्प्शन के केस में एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, तो जो छोटी कंपनी होती है उसका नाम ख़त्म हो जाता है और जो नई कंपनी उसको, जो बड़ी कंपनी उसको टेक ओवर करती है, उसका नाम एक्सेस करता रहता है. यानी इसमें बेसिकली एब्जॉर्प्शन के केस में दो कंपनीज होती हैं. अब हम एक और चीज़ की जानिब चलते हैं कि वो चीज़ क्या है, आइए ज़रा उसके हवाले से बात कर लेते हैं.
एक और चीज़ जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो है परचेज कंसिडरेशन, चाहे अमलगमेशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो. अच्छा, इस बात को अपने जहन में रखिएगा कि अगर आपने अमलगमेशन पढ़ लिया तो समझे आपने एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, अगर आपने एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया तो समझिएगा कि आपने अमलगमेशन पढ़ लिया. ये दोनों टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट, इन दोनों कॉपी दोनों टॉपिक्स की कैलकुलेशन, परचेज कंसिडरेशन का अंदाज, एंट्रीज का बनाने का तरीक़ेकार बिल्कुल सेम है. ठीक है, तो बात करते हैं आज हम परचेज कंसिडरेशन के हवाले से कि परचेज कंसिडरेशन किसे कहते हैं. मैं बात कर रहा हूँ आपसे एब्जॉर्प्शन के केस की. तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी कि एक ए कंपनी है जो कि बी कंपनी को परचेज कर रही है. अगर ए कंपनी बी कंपनी को परचेज करती है तो इसके बदले ए कंपनी बी कंपनी को कुछ ना कुछ अमाउंट क्या करेगी, पे करेगी. तो ख़रीदने के बदले ख़रीदने वाली कंपनी जो भी दूसरी कंपनी को यानी ख़त्म होने वाली कंपनी को जो भी अमाउंट पे करती है उस अमाउंट को कहा जाता है परचेज कंसिडरेशन. ख़रीदने वाली कंपनी दूसरी कंपनी को ख़रीदने के बदले जो कुछ भी पे करे, चाहे वो उसके बदले कैश दे, चाहे वो उसके बदले शेयर्स दे, चाहे वो उसके बदले कुछ भी दे, तो ख़रीदने वाली कंपनी जो कुछ भी देगी ख़रीदने के बदले उसे हम क्या नाम देंगे, परचेज कंसिडरेशन का नाम देते हैं. अब दो तरह के परचेज कंसिडरेशन के मेथड्स हैं, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो चाहे वो अमलगमेशन हो, दोनों सूरतों में दो मेथड्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ. पहला मेथड है यहाँ पर नेट एसेट मेथड और दूसरा मेथड है यहाँ पर लमसम मेथड. आज इन दोनों मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं. नेट एसेट मेथड क्या होता है और लमसम मेथड क्या होता है, इन दोनों के बारे में आज छोटी सी बात करते हैं. सपोज कीजिए कि आप किसी फ्रूट सेलर से फ्रूट लेने गए हैं, यानी कि कोई फल लेने गए हैं, और सपोज़ कीजिए कि उसके ठेले पर बस थोड़े से ही फल मौजूद हैं. आपने कहा कि भाई ये कितने के हैं, सारे फ्रूट्स का सौदा कर लो कितने के हैं. उसने काउंट किया या अपने कैलकुलेट किया कि भाई मेरे पास इस वक्त जो फ्रूट हैं उन फ्रूट की वैल्यू क्या बनती है. सपोज़ कि उसके पास सपोज़ आप जो है वो क्या लेने गए हैं, आप सेब लेने गए हैं. ठीक है, सेब मेरे ख्याल से किलो के हिसाब से मिलता है, नहीं सेब दर्जन, मुझे एग्जैक्टली ऐसा नहीं पता कि सेब कैसे मिलता है. मैं हमेशा इसमें कन्फ्यूज़ रह जाता हूँ कि क्या चीज़ जो है वो डज़न के हिसाब से मिलती है और क्या चीज़ केजी के हिसाब से मिलती है. चलें भाई, मुझे नहीं पता कि सेब किस हिसाब से मिलते हैं. तो उसने आपसे कहा, फ्रूट वाले ने आपसे कहा कि भाई मेरे ठेले पर इस वक्त जितने भी सेब रखे हुए हैं मैंने उन्हें कैलकुलेट कर लिया है और इनकी वैल्यू बनती है 700 रुपीज़. आपने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 700 रुपए देने के लिए तैयार हूं. इसका मतलब यह हुआ कि उसके पास जो सामान मौजूद था, पहले उसने उस सामान की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर वैल्यू कैलकुलेट करके उसने आपको बताई और आप उसी वैल्यू के मुताबिक, उस वैल्यू के बराबर उसे अगर पेमेंट करते हैं तो यह कहलाता है आपका नेट एसेट मेथड. यानी जो सामान आप परचेज कर रहे हैं आपने पहले उसकी कीमत पूछी और जो उसकी कीमत थी आप उस कीमत के मुताबिक एग्जैक्टली वही कीमत अगर आप उसे पे कर देते हैं तो ये कहलाता है आपका नेट एसेट मेथड. यानी यहाँ पर आप पहले ये जान लेते हैं कि आप जो सामान ले रहे हैं उस सामान की कीमत क्या होगी. अब दूसरे सिनेरियो पर आते हैं. आप अगले दिन उस ठेले वाले के पास दोबारा गए, सेब वाले के पास, और आपने उससे कहा कि भाई आज भी सौदा कर लो, जितने के सेब मौजूद हैं वो सब मुझे दे दो. सेब वाले ने कहा कि ठीक है मैं गिनता हूँ अभी. आपने बोला नहीं आज गिनो नहीं, आज एक काम करते हैं, तुम्हारे ठेले पर जितने भी सेब मौजूद हैं वो सारे के सारे सेब मुझे दे दो 700 रुपीज़ में, 700 रुपये में. अब अगर ये सेब 700 रुपये के ही हैं तो ना तुम्हें कोई फ़ायदा होगा ना मुझे कोई फ़ायदा होगा. मतलब फ़ायदे से मुराद ये है कि कोई किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा किसी को भी. लेकिन अगर ये सेब 700 रुपये से ज़्यादा के निकले तो मेरा नसीब, और अगर ये सेब 700 रुपये से कम के निकले तो तुम्हारा नसीब. ठीक है भाई. तो ठेले वाले ने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, मुझे नहीं पता कि इस वक्त ठेले पर कितने रुपए के सेब मौजूद हैं, आपको भी नहीं पता कि इस वक्त ठेले पर कितने रुपए के सेब मौजूद हैं. ठेले वाले ने कहा ठीक है सारे के सारे सेब मुझसे ले जाओ 700 रुपीज़ में. आपने उसे कहा ठीक है, आपने उसे 700 रुपये दे दिए और आपने उससे सारे के सारे सेब ले लिए. अब ना आपको पता है ना उसको पता है कि जो
सेब मौजूद हैं उन सेब की वैल्यू क्या है। तो ये कहलाता है आपका लमसम मेथड, जिसमें आपको ये बात नहीं मालूम कि आप जो सामान खरीद रहे हैं एक्चुअली उसकी वैल्यू क्या है। ख़रीदने के बाद आप जब उसे घर जाकर कैलकुलेट करते हैं तो हो सकता है कि उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा हो या हो सकता है कि उसकी वैल्यू उससे कम हो, दोनों बातें मुमकिन है। तो यहाँ पर जो है वो आपको फ़ायदा भी हो सकता है और आपको नुकसान भी हो सकता है। अब यही मिसाल कारोबार के हवाले से कि ख़रीदने वाली कंपनी कहती है, जो कंपनी टेक ओवर कर रही है, ख़रीदने वाली कंपनी कहती है दूसरी कंपनी से, यानी छोटी कंपनी से, यानी बी कंपनी से, वो कहती है कि भाई आपकी कंपनी की क्या वैल्यू है। बी कंपनी कहती है भाई हमारी कंपनी की वैल्यू 5 लाख रुपए। तो ख़रीदने वाली कंपनी कहती है ठीक है, हम आपको 5 लाख रुपए देने को तैयार हैं, आप अपनी कंपनी हमें बेच दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ख़रीदने वाली कंपनी ने पहले पुरानी कंपनी की कीमत जानी और जितनी कीमत थी उसी कीमत के मुताबिक अगर वो उसे पेमेंट कर देती है तो ये कहलाएगा कौन सा मेथड? नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड का मतलब ये है कि जितनी कीमत होगी कारोबार की उतनी ही पेमेंट की जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं लमसम मेथड के हवाले से। ख़रीदने वाली कंपनी पुरानी कंपनी से ये कहती है, यानी जिसको वो टेक ओवर कर रही है उसको ये कहती है कि भाई देखो मुझे आपके कारोबार की वर्थ नहीं पता, बल्कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि अपना कारोबार मुझे 6 लाख रुपए में बेच दो। अब जितनी की भी इसकी वैल्यू है, वो ज़्यादा है कम है, वो कुछ भी है, बस अपना कारोबार आप मुझे कितने में दे दो? 6 लाख रुपए में दे दो। लमसम, एक लमसम सौदा कर लेते हैं, राउंड फिगर में सौदा कर लेते हैं कि 6 लाख रुपए में अपना कारोबार मुझे बेच दो। तो पुरानी कंपनी कहती है ठीक है 6 लाख रुपए में मुझसे ले लो मेरा कारोबार। तो कीमत जाने बिना अगर ख़रीदने वाली कंपनी एक लमसम अमाउंट पे कर दे तो इसे हम कौन सा मेथड कहते हैं? इसे हम लमसम मेथड कहते हैं। अब इस इन दोनों मेथड्स की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, इसकी एंट्रीज किस तरह से पास की जाती है, कितनी बुक्स बनेंगी, क्या पुरानी कंपनी की बनेगी या नई जो ख़रीद रही है उसकी भी बनेगी, किस तरीके से यहाँ पर एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर को मैं यहीं पर अपने एंड करता हूं। आज के लेक्चर के हवाले से आपके जहन में जो भी बात हो, जो भी कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारे अब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।